सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर्स के मैसेजेस आते हैं और प्रश्न ये रहता है, खासकर बिगिनर्स लोगों का, कि कितने जल्दी से पैसा मार्केट में बनाया जा सकता है। तो मैं उसका एक ही जवाब देता हूँ कि थोड़ा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। और कुछ शेयर्स अचानक ऐसे समय चलते हैं जो सोचा ही नहीं जाता कि इतना तेज़ी उसमें आ जाए। तो कहने का पॉइंट ये है कि इसीलिए मैं अपने मेंबरशिप के मैसेज में भी एक वाक्य ज़रूर लिखता हूँ कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जिसमें पेशेंस है वही मार्केट में बकायदा पैसा बना सकता है और उसी के पास प्लस प्लस फ्यूचर में भी होंगे। तो मेरा यही कहना है कुल मिला के कि जहाँ तक हो सके आप पेशेंस को मजबूत रखिए मार्केट में, और बकायदा समय के साथ साथ सब चीज़ बनता है, संवरता है। क्योंकि जैसे कहते हैं भाई, प्लांट में भी जब हम कोई गुलाब का पौधा भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो गुलाब उसमें खिल जाए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालने लगे और सोचे कि बहुत जल्दी उसमें पौधा आ जाए या फूल आ जाए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि उसमें भी हर चीज़ में समय लगता है। तो समय को भी हमें समय देना चाहिए, ये ज़रूरी है मार्केट के अंदर। उसी के साथ साथ दोस्तों, मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा। अभी हाल ही में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में एक गाइड के रूप में कोर्सेज बनाए हैं, जो मैं समझता हूँ जो इंट्राडे ट्रेडिंग में बिगिनर्स हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं इवन कैश मार्केट में या फ्यूचर ऑप्शन में, उनके लिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग वरदान होगा। ये कोर्स उनके लिए एक सही मार्गदर्शन है ये कोर्स। तो इस कारण पॉइंट से मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और गुमराह हो जाते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसी कारणवश मैंने ये कोर्स बनाया है, जिसमें 10 वीडियो के रूप में मैंने ये 10 चैप्टर बनाया है। जो इसमें मैंने खास रूप से ये भी जोड़ा है दोस्तों सभी के लिए, कि जो कोई भी 31 जुलाई 2021 से पहले इस कोर्स को लेता है तो उनके लिए 50% डिस्काउंट है। ये बात को नोट कर लिया जाए। और इसके बारे में जो जानकारी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और हमारा मल्टीबैगर स्टॉक तो अपने जोर शोर में है ही है, और उसी के साथ साथ मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो लिए हैं वो सभी रूप में प्रगतिशील है और सफल रूप में है। बस इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में डिवीज लैब के बारे में खास रूप से पार्ट 1 को आप फिर से देख लें। मैंने ये कहा था कि मैं डिवीज लैब का सेकेंड पार्ट तभी बनाऊंगा जब ये 20% के आसपास या 20% ये प्लस हो जाएगा। तो मेरा पिछला वीडियो दोस्तों डिवीज लैब को 21 मई 2021 के दिन बनाया था, और एग्जैक्टली आज देख लीजिए दोस्तों, दो महीना जो हम कह सकते हैं, 2 महीना 2 दिन आज प्लस है, आज तीसरा दिन ही कह सकते हैं। तो इस हिसाब से इसने 17% रेट ऑफ रिटर्न दिया है दोस्तों। एप्रिसिएशन जो हुआ है 4079, मैंने जिस पिछला वीडियो पर आपका विशेष ध्यान हो उस दिन इसका भाव था 4079, और मैंने ये कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जिस किसी ने इन्वेस्ट किया उनका आज 17% एप्रिसिएशन हुआ है दोस्तों। ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ है उन इन्वेस्टर के लिए जिनका पैसा एप्रिशिएट हुआ है। और इसी के साथ साथ खास रूप से आप ये भी देखिए, अगर 52 वीक्स हाई भी हाल ही में इसने टच किया है 4856.40। चलिए अब इसके वर्तमान पर विशेष ध्यान दें, और अगला हमें क्या करना चाहिए इस पर भी हमें ध्यान देना है। डिवीज लैब करंट मार्केट प्राइस 4824.75 एज ऑन 23 जुलाई 2021, और मार्केट कैप 1,28,081.95 करोड़, और 52 वीक्स हाई टच कर चुका है। अब आप देख ही रहे हैं फ्राइडे, ज़्यादातर जैसे मैं कहता हूँ लोग मार्केट में फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग डे होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से थोड़ा नीचे आया है ये शेयर्स। 17% एप्रिसिएशन हो ही चुका है। अब अगला क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? देखिए दोस्तों, डिवीज लैब वास्तव में अभी ये उभरता हुआ इतना ज़ोरदार सितारा है ये, कि कुल मिला के मैं ये देख रहा हूँ इनके बिजनेस का, फार्मा सेक्टर का हर एक स्टॉक इस समय तो बढ़ ही रहा है, ये हम देख ही रहे हैं। अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर, ज़्यादातर जिसे मैं कह सकता हूँ,
एक ट्रेंड जब चलने लगता है तो सभी दौड़ने लगते हैं, वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन जो खरा मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स होते हैं जिसमें ग्रोथ है, आगे भी ग्रोथ है, तो उसमें एक ही नाम अभी मैं जोड़ रहा हूँ, डिवीज लैब का। फार्मा में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रगतिशील कंपनियां हैं जो चल भी रहे हैं आज। डिवीज लैब में जो इनका कार्य विषय है दिनों दिन प्रगतिशील रूप में है, इसी वजह इसमें लगातार बाइंग ही आता गया है। अब आप ही देखिए, 2 महीने के अंदर इसने 17% एप्रिसिएशन दिया है, जबकि 2 महीने में करीबन 4 से 5 बार मार्केट काफी बैडली गिरा भी है, कभी 500 पॉइंट, कभी 600 पॉइंट, कभी 400 पॉइंट्स, सेंसेस की बात कर रहा हूँ, जो गिरे हैं। लेकिन इसके बावजूद डिवीज लैब ने अपनी गतिशीलता कायम रखा, तो इसकी गतिशीलता और बाइंग फोर्स लगातार कायम है। इससे साफ जाहिर है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज प्लस FIs इसमें लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और मैं आपको भी यही सजेशन करूँगा या दूंगा कि आप इस शेयर्स को जब भी 1-2% नीचे की तरफ हो, आप इसे जोड़ते जाइए। ये लॉन्ग टर्म का और ज़ोरदार रूप होगा। जैसे हाँ, आप ये पूछेंगे, सर अगर मुझे जोड़ना है और तो किस भाव में सही होगा? जो भी भाव जस्ट 4,800 के नीचे, जैसे 4,770, 60, दैट इज आई कैन से, मैं कह सकता हूँ 4,760 रुपीज़, 70 रुपीज़, इस तरफ ये भाव जाए, तो वहाँ एक एक दो दो शेयर जोड़ना चाहिए। तो डिवीज लैब फार्मा सेक्टर का वो कंपनी होगा जो आगे भी लगातार प्रगतिशील बनता जाएगा। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज फिर आपको ये कहूँगा कि इस शेयर्स को आपको जोड़ना है अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पॉइंट से, लॉन्ग टर्म पॉइंट से ये शेयर्स को आपको जोड़ना है। बस यही कहना था आपको, आपके नॉलेज के लिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको, मैं मानता हूँ इन शब्दों का आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। और मैं भी, हाँ कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हैं दोस्तों कि खास करके मल्टीबैगर के बारे में कुछ इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं, सर आपका पहला मल्टीबैगर कौन सा था वो बताइए। तो मेरा जो लाइफ का पहला मल्टीबैगर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसके पीछे कहानी है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और मेरे पास उसका बकायदा रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि पहला मल्टीबैगर किस तरह से मैंने प्रवेश किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, उसके लिए मैंने कितना संघर्ष भी किया, उन बातों को भी और शब्दों को आपको जरूर जोड़ूंगा आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी भी इन्वेस्टर के साथ हुआ होगा। तो मेरा पहला मल्टीबैगर जब मैंने लिया था वो था ईयर 2009 का, उसके बारे में डिटेल बात मैं अगले वीडियो में जोड़ने वाला हूँ आपके सभी नॉलेज के लिए, और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणा का विषय भी रहेगा। बस और यही कहना था। और बाकी तो हमारे जो सर्विसेज हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और ख़ास करके स्टॉक में मल्टीबैगर स्टॉक, सभी प्रगतिशील हैं। आप इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।